नमस्कार, नेशनल न्यूज के हरियाणा बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ साहिबा। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से किया सीधा संवाद। भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने और बूथ मजबूत रखने की भी सलाह। रामविलास शर्मा ने बड़ी स्क्रीन पर देखा प्रधानमंत्री का संवाद कार्यक्रम। अतिथि शिक्षकों ने लड्डू खिलाकर जताया शिक्षा मंत्री का आभार। फतेहाबाद के स्कूल में आयोजित किया गया पौधारोपण कार्यक्रम। सुनीता दुग्गल ने शिरकत कर बच्चों को तनाव रहित परीक्षा देने का दिया मंत्र। और फतेहाबाद के गांव कुणाल में खुदाई कार्य में मिली राख से भरी मटकी और पशु का विशाल कंकाल। पुरातत्व विभाग की टीम ने बताया प्री हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पाक तनाव के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और इस बीच पहले से ज्यादा काम करने को भी कहा। प्रधानमंत्री का सीधा संवाद करने का मकसद भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने और मेरा बूथ सबसे मजबूत रखने की सलाह देना था। इस दौरान अंबाला कैंट में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का संवाद सुना। 15 फरवरी से चल रही एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल कर्मचारियों द्वारा देश हित में और मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद स्थगित कर दी गई है। कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने पहले ही कर्मचारियों से कहा था कि या तो ज्वाइन करो नहीं तो निकाले जाओगे। उन्होंने कहा कि ये खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्होंने 2 साल में 10 बार हड़ताल की है और ये ऐसे मुद्दों के साथ हड़ताल कर रहे हैं जो पूरे नहीं किए जा सकते। मोदी जी आज कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। लगभग 15,000 केंद्रों पर कार्यकर्ता हर जगह पर एकत्रित हैं और वहाँ से वो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं और उनके संवाद का मुख्य जो भाव है वो ये है कि हमें मेरा बूथ जो है वो सबसे मजबूत, वो बूथ मजबूत होना चाहिए। और ये जो आज परिस्थिति है, जो आज देश की परिस्थिति बनी हुई है पाकिस्तान को लेकर, उसमें हमें सबको इकट्ठे खड़े होकर एक जुट नज़र आने चाहिए। नहीं, उनकी मर्जी है, हमने तो पहले दिन से कह दिया था। नहीं, हमने कह दिया था कि जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर जाएं और नहीं तो हम सबको निकालेंगे, क्योंकि ये जो हैं ये खिलवाड़ कर रहे हैं और इन्होंने 2 साल में 10 बार हड़ताल की है और ये ऐसे मुद्दे लेकर हड़ताल करते हैं जो पूरे नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को तो हम रखना नहीं चाहते। फिर भी हमने लीनियंट व्यू लेते हुए इनको कहा कि अब ज्वाइन कर दो। महेंद्रगढ़ में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने निवास जयराम सदन पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम देखा और उसके बाद अतिथि शिक्षकों ने हरियाणा सरकार द्वारा उनकी नौकरी को 58 साल तक सुरक्षित रखने को लेकर लड्डू खिलाकर शिक्षा मंत्री का आभार जताया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब से अतिथि शिक्षकों को राज्य में रेगुलर की तरह तरजीह मिलेगी। उन्होंने बताया कि 2 मार्च को नगर में मोटरसाइकिल रैली भी निकाली जाएगी। आज सारे देश में सभी विधायक, सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मंडल में प्रधानमंत्री का कार्यकर्ताओं से जो संवाद है, तो मैंने अपने महेंद्रगढ़ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये संवाद सुना है और ये हमारे लिए अगली जो चुनाव अभियान की शुरुआत है वो हमने आपसे कर दी है। आज अतिथि यहाँ पर आए थे, अतिथि यहाँ पर, और उन्होंने कार्यक्रम था। ये माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने सीधा जनता से संवाद किया है।
इस कार्यक्रम की जिम्मेवारी महेंद्रगढ़ के चारों मंडलों की मुझे सौंपी गई थी और आज ये चारों मंडलों का कार्यक्रम हमने यहाँ जयराम सदन में किया है। आपने देखा कि इसमें सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने ये कार्यक्रम सुना। इस कार्यक्रम में किसने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की? इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री श्री रामविलास जी शर्मा ने शिरकत की और उनकी भी इस कार्यक्रम को करवाने के लिए जिम्मेवारी जिला की तरफ से लगी हुई थी। 2 तारीख को मोटरसाइकिल यात्रा निकलेगी जिसकी जिम्मेवारी हमने अभी कार्यकर्ताओं को सौंपी है। फतेहाबाद के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सुनीता दुग्गल ने शिरकत कर बच्चों को तनाव रहित परीक्षा देने का मंत्र दिया। सुनीता दुग्गल ने देश के मौजूदा हालातों पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी को आड़े हाथों लेते हुए उसे ओछी मानसिकता भी बताया। सिरसा लोकसभा सीट की दावेदारी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संगठन उनकी जो भी जिम्मेदारी लगाएगा वे एक आम कार्यकर्ता की तरह ही उस जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत के साथ निभाने का प्रयास करेंगी। ये जो फतेहाबाद का गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो यहाँ पर बच्चों को क्योंकि उनकी परीक्षाएं शुरू होने वाली तो उनको रोल नंबर जो है उनको आज दिए जाने थे प्लस टू के एग्जाम्स के लिए, तो उनको बच्चों को यही कि किस तरह से वो तनाव रहित परीक्षा में अपीयर हो सके उसके लिए उनको थोड़ा सा बच्चों को समझाने की बात थी। और इसके साथ साथ यहाँ पर ग्रीन बेल्ट के रूप में स्कूल में कई पौधे लगाए गए हैं उसके लिए भी बच्चों को जो है वो ग्रीनरी की तरफ आकर्षित करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया था। हमारे DO साहब यहाँ पर हैं, प्रिंसिपल साहब और मान साहब, इन सब लोगों के आयोजन से ये कार्यक्रम बच्चों के लिए आज आयोजित किया गया क्योंकि एग्जाम पास में है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मूल मंत्र बच्चों के लिए था यही कि बच्चे जो है वो परीक्षा में खुशी खुशी जो है अपीयर हो, तनाव रहित जो है वो एग्जाम में हो और किसी तरह का कोई निराशा ना रखें, किसी भी तरह की मेहनत करें और मेहनत के साथ साथ जो है वो आशीर्वाद लें अपने पेरेंट्स का भी, अपने अध्यापकगण का भी और उसके बाद एग्जाम में अपीयर हो, बिल्कुल तनाव रहित। डांट भी दी गई स्कूल में? हाँ, स्कूल में जो जैसे बच्चों के लिए यहाँ पर 20 जो है जो टॉयलेट्स बन रहे हैं और यहाँ पर जो पार्क बन रहा है और उसके साथ साथ रिक्वेस्ट की गई है कि जो रोड ये जो बीच में दीवार है बॉयज़ की और गर्ल्स स्कूल के बीच में उसको ऊंचा किया जाए, तो मैं DC साहब से बात करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द जो है वो दीवार भी ऊंची हो जाए। महेंद्रगढ़ के हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर CV रमन की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अनेक विभागों सहित 4 महाविद्यालयों शिक्षण संस्थानों सहित 3 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RC कुहाड़ शामिल हुए जिसमें सभी मॉडलों का अवलोकन किया और विद्यार्थियों और विभागों को प्रोत्साहित किया। विज्ञान दिवस जो मनाया है इसमें हमारे महेंद्रगढ़ के 10 तो स्कूल टीमों ने भाग लिया था और 8 कॉलेजों की टीम ने भाग लिया था और इन स्कूल और कॉलेज की टीमों का अलग अलग समय पे हमने कंपटीशन कराया और आज के दिन हमारे विश्वविद्यालय के 29 डिपार्टमेंट ने इस विज्ञान दिवस में भाग लिया है और स्कूल और कॉलेज की जो विनर टीम थी उन्होंने अपने मॉडल प्रस्तुत किए हैं। फतेहाबाद के गांव कोनाल में पुरातत्व विभाग द्वारा फिर से खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। शुरू हुई खुदाई में विभाग की टीम को राख से भरी एक मटकी और करीब 6 फुट नीचे पशु का विशाल कंकाल मिला है जिसे टीम ने जांच के लिए दिल्ली मुख्यालय भेजा है। पुरातत्व विभाग की टीम ने इन अवशेषों को प्री हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष बताया है जिससे साबित हो जाता है कि यहाँ हजारों वर्ष पूर्व भी मानव सभ्यता रहती थी और यहीं से सरस्वती नदी की धारा भी बहती थी। खुदाई में लगी टीम ने बताया कि खुदाई में करीब 4 फीट गहराई पर पहली बार साबुत मटकी मिली है जबकि पहले मिलने वाले बर्तन टूटे फूटे हालत में होते थे। मिट्टी के बने इस मटकी पर अच्छी नक्काशी और रंग से डिजाइन भरे हुए हैं। जिस जगह पर मटकी मिली है उसके चारों तरफ पिट था जिसमें मटकी रखी हुई थी।
ये इस बार खुदाई का तीसरा सेशन है। पिछले दो साल से यहाँ पे खुदाई हो रही है हर एक सेशन में, और हम लोग इस बार यहाँ पे निकाल रहे हैं प्री हड़प्पन और अर्ली हड़प्पन के बीच का जो ट्रांजिशनल फेज है, मोस्टली उसको हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं। और जैसा कि इसके पहले भी पिट्स यहाँ हैं और बहुत सारी, और उससे जो राख भरी मटकी मिली है, ये सारे उसी फेज के मोस्टली बिलोंग करते हैं। और लेकिन अभी तक कोई एब्सोल्यूट डेटिंग नहीं हो पाई है। डेटिंग इसके एक्सकेवेशन के बाद का पोस्ट वर्क है, तो उसके बाद कंफर्म डेट मिलेगी। लेकिन हम लोग सेफ साइड लेके ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे अभी काम चल रहा है एटलीस्ट 4000 साल पुराना तो है ही, ये कंफर्म है। फरीदाबाद में हॉस्पिटल के गेट पर शव रखकर मरीज की मौत पर परिजनों ने प्रदर्शन किया और अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। वहीं मृतक के परिजनों की मांग है कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही अस्पताल को सील किया जाए। इंजेक्शन देने वाले आरोपी ने भी माना है कि पाइल्स की बीमारी के चलते किसी मरीज की जान नहीं जा सकती। मृतक डिम्पी के परिजनों के मुताबिक उसे एपेक्स अस्पताल में पाइल्स के ऑपरेशन के लिए एडमिट करवाया गया था, लेकिन ऑपरेशन शुरू करने के दौरान ही उसकी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर बिना बताए उसे एस्कॉर्ट फोर्टिस अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर ले लिया। और 7-8 दिन बाद जब फोर्टिस अस्पताल ने जवाब दे दिया तो उसे दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी बुधवार को मौत हो गई। वही मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है और मृतक के परिजनों की मांग है कि आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हुआ ये था, मैं अपने बेटे का बवासीर का ऑपरेशन करवाने इनके यहाँ हॉस्पिटल में आया। कौन सा हॉस्पिटल है ये? एपेक्स फरीदाबाद में है, ये सी ब्लॉक में, 3C में। और मेरा, मैं बेटे को यहाँ ऑपरेशन करवा रहा था और इन्होंने 16 फरवरी को मेरे बेटे को एडमिट करा और 17 फरवरी को सुबह ये 10:10 पर अजय कपूर डॉक्टर ये आए और आते ही बच्चे को अंदर ले गए। और अंदर ले जाने के बाद एकदम 5-7 मिनट बाद डॉक्टर साहब आए, कहने लगा हमने अभी ऑपरेशन नहीं किया, थोड़ी देर लगेगी। उसके बाद ये डॉक्टर एकदम अंदर घबरा गए, ऑक्सीजन सिलेंडर ले गए, भागे इधर इधर, 2-4 डॉक्टर हो रहा है वो भी इधर उधर भागे। मैं बाहर बैठा हुआ था, मेरी मिसी थी, मेरी बेटी भी थी, पर इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। डॉक्टर को अरेस्ट किया जाए, डॉक्टर की क्लिनिक बंद किया जाए, ऐसे जालिमी डॉक्टरों को अच्छी से अच्छी सजा मिले ताकि आगे किसी और का बच्चा ना मारेंगे। और इसका लाइसेंस रद्द हो, और इसका लाइसेंस रद्द हो, और ऐसे डॉक्टरों को कानूनी कार्रवाई इतनी की जाए कि वो उसको सजा मिले कि हाँ भाई किसी के बच्चे को कैसे मारा जाता है और किसी के साथ कैसे अन्याय किया जाता है। एक 32 साल का बच्चा 3 दिन से मरा हुआ है, 3 दिन से। कल हम मेडिकल हॉस्पिटल में बैठे थे, शव गृह में मैं बैठी थी सुबह 8 बजे से। 8 बजे से इस कुत्ते डॉक्टर ने वहाँ अप्रोच लड़ाई हुई थी हमारा, वहाँ इसने ये नहीं होने दिया, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। 8 बजे से लेकर शाम के 6 बज गए, शाम के 6 बज गए, इसका वहाँ से परमिट, इसने ऑर्डर किया कि इतने लाख मैं तुम्हें दूंगा, इसको पोस्टमार्टम अप कर दो ताकि ये शाम को डेड बॉडी लाए और आते ही जला दें। मामला बहुत ऐसा था कि पेशेंट हमारे पास आया था ऑपरेशन के लिए, और जो हम साधारण सब हर एक मरीज में जैसा इलाज करते हैं वैसे ही किया। पेशेंट को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए और जो रूटीन में इंजेक्शन लगाया जाता है ऑपरेशन के लिए, स्पाइनल इंजेक्शन लगाया। और उसके बाद पेशेंट कहला मुझे घबराहट सी हो रही है, इरिटेबिलिटी होती है, सांस नहीं आता, तो एलर्जी के जो हिसाब से सिम्टम होते हैं उस हिसाब से हमने वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। लेकिन मरीज की हालत क्योंकि ज़्यादा ख़राब लगती थी तो हमने उसको एक और डॉक्टर को बुलवा लिया, सारे डॉक्टर साहब थे हमारे पास, सारी टीम को बुला के उसको बेसिक रेसिस्टेशन की और उसको फिर हमने फोर्टिस अस्पताल में भिजवा दिया। अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर एक नवजात बच्चे का शव मिला, जिसे देखकर पूरे स्टेशन पर सनसनी फैल गई। रेलवे अधिकारियों ने इसकी सूचना जीआरपी को दी और जीआरपी थाना के एसएचओ मौके पर पहुंचे और आसपास खड़े लोगों से इसकी जानकारी लेने लगे। एसएचओ ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखवा दिया है। करीब 12:45 बजे हंसराज स्टेशन मैनेजर अम्बाला छावनी ने बजरिया फोन सूचना दिया कि एक नवजात शिशु
सीढ़ियों के नीचे मृत हालत में पड़ा है। इस सूचना पर मन ऐसा ही सचो मैं हमारा अभियान के मौके पर हाजिर आया हूँ। जो कूड़ेदान के नीचे ये शिशु मरा पड़ा है, जो तकरीबन 8-10 दिन पहले से इस ये रखा हुआ लगता है। कितनी उम्र का है ये? अभी नवजात शिशु है। किसी औरत ने अपनी पहचान छुपाने के लिए इसको जो है इस कूड़े के अंदर रख दिया है। क्या कर रही है इसमें? अभी इस पर 318 IPC का FIR दर्ज करके उसकी तलाश की जाएगी। करनाल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर गांव रंबा में 15 वर्षीय छात्र लवप्रीत का शव तालाब में मिला है। बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ युवाओं ने उसकी हत्या कर उसके शव को तालाब में फेंक दिया है। जब इस घटना की सूचना परिवार को मिली तो परिवार में मातम छा गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि लवप्रीत 9वीं कक्षा में पढ़ता था और बीती 23 फरवरी को कुछ लड़कों के साथ उसका रात को DJ पर झगड़ा हो गया था और वह उसी रात से लापता भी थी। परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत की थी। पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा और फोरेंसिक लैब में जांच के बाद जो सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता था आपका? मेरा भरा सी। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं बताओ? मैं उन्हें चिकर इतो लैके नहीं जाना जिन्ना चिकर मेरा भरा का कातल नहीं मिलता सानू। असि उन्हें चिकर इतो लैके नहीं जाना जो मर्जी हो जाए। मेरा भरा का कातल चाहिए सानू। असि साडे ते आई बयान जदों मर्जी आन के पुछ लो। मेरे मां प्यो गरीब जेने, किसी ने की पता की किता मेरे भरा नाल। सानू कातल चाहिए, जो मर्जी हो जाए सानू कातल चाहिए बस। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है अभी क्या किस कारण हो सकता है? सानू नहीं पता कुछ भी। सानू कातल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सानू। मेरा भरा का कातल चाहिए। कितने दिन पहले लापता हुआ था? शनिवार नु हो गया सी। आज 23 तारीख। कुछ नहीं पता सानू मेरा भरा चाहिए। शादी च गया लड़का सी, ओथो गायब हो गया। कदों? ये 23 तारीख नु 12:30 के करीब जी। ते असि ढूंढिया पर मिले आने जी। ਅੱਜ ਜੀ ਆ ਦੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਲੜਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਝੁਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਝੱਥੋ ਪਈ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਸੂਤੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਾ बच्चे कहाँ के हैं? वो बच्चे रंबे थे नहीं साढ़े पिंड। क्या उम्र क्या थी आपके लड़के बच्चे की? हमारे बच्चे की इस वक्त 16वें साल में है जी। अच्छा। हाँ जी। और दूसरे भी लड़के ऐसे हैं 17-18 साल के करीब। पढ़ता था? हाँ जी, 9th क्लास में। तो हम तो यही शक है जी, ये आपस में झगड़ा हुआ है पैसों के चक्कर में। क्यों? वहाँ पैसे पूसे उठा रहे थे, कहीं बच्चों में आपस में झगड़ा हो तो चोट लगी है उसको, तो इन्होंने बार फेंक दिया उठा के। तो इतने दिन से आपने क्या पुलिस में कोई खबर? सब किया जी, रिपोर्ट भी किया, इनके पास आए भी हैं, ये भी गए भी हैं गांव में, देख भी रहे हैं। तो हम सभी जगह घूमे भी हैं आसपास कुछ क्षेत्र तक, सब जहाँ तक हमें मिला पता लगा भी बच्चा कहीं मिसिंग है तो हम गए हैं पर नहीं मिला जी। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम जी सर, हम तो मांग चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये सर, एक लवप्रीत नाम का लड़का 15-16 साल का 23-24 की रात को घर से शादी के समारोह में गया हुआ था, वहाँ से वो वापस नहीं आया। और उसके बाद जो हमारे पास 25 तारीख को इन्फॉर्मेशन आई थी, घर वाले आए थे भाई ऐसे ऐसे बच्चा नहीं मिल रहा, तो वहाँ FIR रजिस्टर करके और हमने इन्वेस्टिगेशन की। कल हमें शाम को सूचना मिली, इनके परिजनों की तरफ से मैसेज आया कि ऐसे ऐसे वहाँ जो रंबा में एक तालाब है वहाँ एक डेड बॉडी है, तो वहाँ जाके डेड बॉडी को निकाला गया। परिजन भी साथ में ही थे और वहाँ FSL की सीन ऑफ क्राइम की टीम आई, उन्होंने भी अपना विजिट किया मौके का और यहाँ बॉडी का भी उन्होंने एनालाइज किया है। अब डॉक्टरों का बोर्ड बनवा के और मृत्यु का कारण स्पष्ट करने के लिए पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, उसके बाद जैसे जो भी स्थिति होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नेशनल न्यूज के हरियाणा बुलेटिन में अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे साहिबा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।